नमस्कार, वाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हम चर्चा करेंगे आगे चल के कि कौन सा रत्न, कौन सा जेमस्टोन किस उंगली में धारण करना चाहिए। बहुत उनको शायद पता हो, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देख रहे हो उनके मालूम नहीं है। और मैं ऐसे ही कुछ बात करूंगा जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। जैसे मैं बात करता हूँ एमरल्ड के बारे में, कौन से उंगली में बात करता हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखें। एमरल्ड या पन्ना दाहिने हाथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए इफ यू आर ए राइट हैंडेड पर्सन। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा जेमस्टोन किस उंगली में धारण करना चाहिए और क्यों, ये बहुत जरूरी है। शायद आप जानते होंगे कि कौन सा उंगली में कौन सा पहनना चाहिए, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे, 99.9% नहीं जानते होंगे कि क्यों। यदि आप जानना चाहते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। पहले बता दूं कि कौन सा जेमस्टोन किस उंगली में पहनना चाहिए। ये आपके चार उंगलियां हैं जिसमें आप पहनते हैं, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, राइट। ये आपका इंडेक्स फिंगर, इस फिंगर में आप पहनते हैं उखराज, यस ऑफ हैंड। क्यों पहनते हैं आगे बताता हूं। मिडिल फिंगर में आप पहनते हैं नीलम, येलो सफेद फॉर सैटर्न, शनि के लिए, और पहनते हैं आप शुक्र के लिए हीरा, डायमंड, और फिर पहनते हैं आप राहु के लिए हेसोनाइट, गुमेद, और केतु के लिए कैट्साई। इस उंगली में, रिंग फिंगर में आप पहनते हैं सूर्य के लिए रूबी, माणिक्य, और आप पहनते हैं मंगल के लिए कोराल, प्रवाल या मूंगा। इस उंगली में आप पहनते हैं चंद्रमा के लिए मोती, पर, और लोग पहनते हैं एमरल्ड पन्ना। मैं कहता हूं आप राइट हैंडेड हैं तो पन्ना को इस उंगली में मत पहनिए, उसको लेफ्ट हैंड में पहनिए। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट में पहनिए, जितना बताया मैं उसको उल्टा कर लीजिए। इसलिए आप यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं कि एमरल्ड पन्ना को दाहिने हाथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसी चरण में ये वीडियो है, आप जरूर देखें। इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा। हम बात करते हैं कि जो मैंने बताया ये इस उंगली में क्यों पहनना चाहिए। यदि आपने मेरे वीडियोस देखे नहीं है पंच तत्व के बारे में, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और इथर आकाश तत्व, इनके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप इस चरण में उपलब्ध है वीडियोस आप जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो उंगलियां होती हैं पांचों उंगलियां, ये अलग अलग तत्वों के कारक होती है। जैसे ये वाला उंगली जो है ये है अग्नि तत्व, ये है वायु तत्व, ये है आकाश तत्व, ये है पृथ्वी तत्व, ये है जल तत्व, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्काई, इथर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, पांच तत्व आपके होंगे। उखराज स्टोन जो कि बृहस्पति के कारक होता है इस उंगली में पहना जाता है, वायु तत्व के कारण। ये आपके हो गया आकाश तत्व, इथर मैंने बताया, आकाश तत्व मतलब जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, इथर यू कैनॉट विजुअलाइज, यू कैनॉट अंडरस्टैंड, यू कैनॉट टच इट, आज ना तो स्पर्श कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना इमेजिन कर सकते हैं, कोई डायमेंशन लेस होता है, निराकार होता है आकाश। तो ये सभी क्षेत्र है आपके शनि के, राहु के, केतु के, राहु के तो दिखाई भी नहीं पड़ते आपको जो एनर्जी है ना, और आपका शुक्र, शुक्र इज द शुक्राणु स्पर्म जिससे क्रिएशन होता है, मिस्टिक है क्रिएशन, किस प्रकार सृष्टि होती है ये सब मिस्ट्री में आती है। तो ये जो चार तत्व आपके हो गए इस प्रकार के, जो कि अदृश्य शक्तियां हैं, जो कि समझ से परे शक्तियां, जो मिस्टिक है, राहु केतु शनि ये सब मिस्टिक एनर्जीज हैं, और शुक्र और शनि मित्र होते हैं, मित्रक मतलब ये हार्मोनियस होते हैं एनर्जीज। इसलिए आप इसमें नीलम, हेसोनाइट, कैट्साई एंड डायमंड पहनिए। इसके नीचे का हिस्सा जो है ये जो है आपका इथर आकाश तत्व का एरिया है, ये वाला एरिया। फिर ये आपका हो गया पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट,
अर्थ एलिमेंट में क्या है, एनर्जी की बातें हैं, हीट की बातें हैं। मार्स हीट, सन सूर्य हीट, एनर्जी शक्तिदायक, पृथ्वी ना हो तो हमारी हम कैसे जिंदा रहे। तो ये आपका हो गया पृथ्वी तत्व के, ये सब पृथ्वी तत्व के एरिया है। तो इसमें आप पहनते हैं कोराल, प्रवाल, मूंगा और रूबी। फिर ये हो गया आपका जल तत्व, जल तत्व, जल तत्व कैसे हो गया कि क्या होता है इससे, जल में क्या निकलता है, मोती। जल प्रभावित करता है हमारे मन को, अबाउट इमोशन, स्वर्ण चक्र। तो ये जल तत्व के हैं, ये एरिया जो है जल तत्व के एरिया है, तो ये मोती धारण करने के लिए होता है। मैं कहता हूं कि एमराल्ड को बाएं हाथ में पहनना चाहिए छोटी उंगली में, क्यों मैंने बताया, वीडियो कॉल जरूर देखें। तो जैसे आप समझ रहे हैं अभी कि ये जो नवरत्न है, आठ तो इसमें आ गए, एक इसमें आ गया। अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग चीज लेकर हम आएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।